जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुभुज का पार्ट टू लेकर के आया हूँ, और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते दोस्तों। लेकिन प्रश्न देखने के पहले इस सारे के फॉर्मूले का आप जो है सो स्क्रीनशॉट ले ले या कॉपी में नोट कर ले दोस्तों, ठीक है। और पहला पार्ट नहीं देखे हो तो पहला पार्ट जरूर देख ले। तो जैसे क्या है, बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग बराबर एन माइनस टू गुने 180 डिग्री, ठीक है। बहुभुज क्या है, ये तो सभी है, क्या है सभी अंतःकोण, और यहाँ है प्रत्येक अंतःकोणों कोणों का योग, तो एन माइनस टू गुने 180 बटा एन होता है, और एन बराबर भुजाओं की संख्या होता है। एन बराबर क्या होता है दोस्तों, तो भुजाओं की संख्या, क्या होता है तो भुजाओं की संख्या होता है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं, अगर पहला पार्ट नहीं देखे हुए तो जरूर देख लीजिएगा आप लोग। अब देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है आपका, एक चतुर्भुज के तीन कोणों के माप 50 डिग्री 80 डिग्री तथा 90 डिग्री है, चौथे कोण का माप कितना होगा। तो अभी हम बताएं आप लोगों को चतुर्भुज यानी चार भुजा, ठीक है, एक ये कोण, एक ये कोण और ये एक कोण, ये तीनों कोण मिला करके, ठीक है, कितना होता है 360 डिग्री। जितना भी होगा था 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, यानी 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है, ये चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों, तो चौथे कोण का माप बराबर, चौथे कोण का माप बराबर, तो 360 डिग्री माइनस ये 50 80 और 90 को जोड़ दीजिए, ठीक है, माइनस चलिए यहां लिख देते हैं 50 प्लस 80 प्लस 90 डिग्री, इसको जोड़ के घटा दीजिए, तो 360 डिग्री माइनस 50 80 और 90 को जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 220 डिग्री, 220 डिग्री, और इसको जब घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 140 डिग्री दोस्तों, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे प्रश्न को दोस्तों, दूसरा प्रश्न है आपका, एक पंचभुज के चार कोणों का माप 130 डिग्री 85 डिग्री 108 डिग्री और 82 डिग्री है, पांचवें कोण का माप कितना होगा। हम तो जानते हैं कि चार कोणों का माप जो है सो कितना होता है, ये चारों कोणों का माप तो 360 डिग्री है, लेकिन अब पांचवा कोण बोला, ठीक है, अब इस तरह से बना होगा, ठीक है, देखिए एक दो तीन चार पांच, इस तरह से बना होगा, ठीक है, पंचभुज बोल रहा है, क्या बोला है पंचभुज बोल रहा है दोस्तों, ठीक है, और चार कोण दिया है 130 डिग्री 85 डिग्री 108 डिग्री और 82 डिग्री। तो अब देखिए दोस्तों ये कैसे बनेगा, इसका एक सिंपल फार्मूला है दोस्तों। तो फार्मूला क्या है, एन माइनस टू, मैं शॉर्ट में आज चल रहा हूं दोस्तों, ज्यादा लिखने का कोशिश नहीं कर रहा हूं, 180 डिग्री, ठीक है, और एन बराबर भुजाओं की संख्या होता है, एन बराबर भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। चलिए अब देखिए दोस्तों, अब बोला चार कोणों का माप कितना है, 130 85 108 और 82 डिग्री, अब पांचवें कोण को बोल रहा है दोस्तों, तो यहां जो है पंचभुज बोल रहा है, पंचभुज यानी पांच माइनस दो गुने 180 डिग्री, अब इसको ये घटा देंगे तो तीन गुने 180 आ जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो 18 3 54 540 डिग्री आएगा दोस्तों, ठीक है, पांच भुजा का योग कितना आया, तो 540 डिग्री आया। तो बोल रहा है कि इसमें चार कोणों का माप दिया हुआ है, ठीक है, चार कोणों का माप दिया है, 130 डिग्री 85 डिग्री 108 डिग्री और 82 डिग्री, तो पांचवा कोण, तो सिंपल सा है 540 में इन सभी को घटा देंगे हम तो हमारा आंसर आ जाएगा, तो पांचवा कोण बराबर, पांचवा कोण बराबर, तो 540 डिग्री
130 डिग्री प्लस 85 डिग्री प्लस 108 डिग्री। एक मिनट दोस्तों, एक सौ आठ डिग्री प्लस उसके बाद है 82 डिग्री। कितना है? तो 82 डिग्री दोस्तों। अब क्या करेंगे, 540 और इन सभी का जोड़ेंगे जब हम, तो हमारा आ जाएगा 405 डिग्री दोस्तों, 405 डिग्री। अब इसको 540 में 405 डिग्री घटा देंगे तो 135 डिग्री आ जाएगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या आया? तो डी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न हमेशा रहता है, जितने भी तरह के एग्जाम हो सभी में एक प्रश्न जरूर रहता है, इसलिए आप लोग अच्छे से वीडियो वॉच कीजिए और पूरा वीडियो वॉच कीजिए। अब देखिए तीसरे प्रश्न को दोस्तों। तीसरा प्रश्न आपका, एक षटभुज के कोणों का योग कितना होगा? षटभुज यानी छह भुजा वाली कोण, कितना? तो छह भुजा वाली। तो इसमें बोल रहा है षटभुज के कोणों का योग, तो कोणों का योग सभी अंता कोण, सभी अंता कोण, अगर फॉर्मूला याद नहीं हो तो ऊपर देख ले दोस्तों, ठीक है, या नोट कर लें। सभी अंता कोणों का योग बराबर एन माइनस टू गुने 180 डिग्री। एक मिनट दोस्तों, 180 डिग्री। अब देखिए यहां बोल रहा है क्या, षटभुज यानी छह भुजा, कितना? तो छह भुजा, तो 6 माइनस 2 गुने 180 डिग्री बराबर 4 गुने 180 डिग्री। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 चौक 72, 720 डिग्री दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो षटभुज के कोणों का योग कितना होगा? तो 720 डिग्री होगा। तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न है हमारा, किसी अष्टभुज के सभी कोणों का योग क्या होगा? तो अष्टभुज यानी आठ भुजा, ठीक है, तो सभी अंताकोणों का योग, क्योंकि अष्टभुज के सभी कोण, कोण जो भी होगा दोस्तों, ठीक है, ये इस तरह 1 2 3 4 5, ठीक है, इस तरह जो भी होगा तो वो अंदर का ही कोण होगा, क्या होगा? अंदर का कोण होगा दोस्तों, ठीक है, तो सभी अंताकोण, क्या? सभी अंताकोण। तो सभी अंताकोणों का योग बराबर अंताकोणों का योग बराबर, इसका फॉर्मूला होता है एन माइनस टू गुने 180 डिग्री दोस्तों, ठीक है, कितना? 180 डिग्री। अब देखिए एन बराबर क्या होता है, तो भुजाओं की संख्या, क्या है? अष्टभुज, क्या है? अष्टभुज, तो एन की जगह 8 लिखिए, माइनस 2 कीजिए गुने 180 डिग्री। अब 8 में 2 गया तो 6 बचा और ये 180 डिग्री, तो 18 छके कितना हो जाएगा? 1080 हो जाएगा दोस्तों, 1080 डिग्री, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हुआ? तो डी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए पांचवें प्रश्न को दोस्तों, अब बोल रहा है दोस्तों, एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं? अष्टभुज यानी आठ भुजा, ठीक है, अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो बहुभुज, देखिए फॉर्मूला इसका, एक बहुभुज के विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या बराबर, थोड़ा सा
कलर चेंज करते हैं। विकर्णों की संख्या बराबर n n माइनस 3 बटा 2, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। तो अष्टभुज बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अष्टभुज। तो n n बराबर भुजाओं की संख्या, तो जहां पर n लिखा वहां 8 लिख दीजिए, 8, फिर 8 माइनस 3 3 बटा 2। अब क्या कीजिए, इसको काट दीजिए, 2 चौके 8, अब कितना बचा, 4 गुने ये 5, अब इसको गुना कीजिएगा तो 20 आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो विकर्णों की संख्या कितना आया, तो सी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए छठे नंबर प्रश्न दोस्तों, छठे नंबर प्रश्न भी सेम है दोस्तों। 50 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्ण की संख्या कितनी होती है। अब बोल रहा है आपको 50 भुजा और बोल रहा है विकर्ण की संख्या, तो विकर्ण की संख्या बराबर विकर्ण की संख्या बराबर n n माइनस 3 बटा 2, यही फॉर्मूला होता है। तो बोला 50 भुजा, n बराबर भुजाओं की संख्या, तो 50 गुने 50 माइनस 3 ब्रैकेट बंद कीजिए बटा में 2 लिखिए, ये 2 से काट दीजिए 25 बार में कट जाएगा। अब हमारा आ जाएगा 25 गुने 47, अब इसको जब गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1175 आ जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसमें विकर्णों की संख्या कितना है, 50 भुजा वाले बहुभुज में, तो 1175 है दोस्तों, यही आपका आंसर आया। दोस्तों तो आप लोग पीडीएफ जो है डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम से ज्वाइन डाउनलोड कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं और सातवें प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अब देखिए सातवें प्रश्न को दोस्तों, सातवां प्रश्न है आपका, एक बहुभुज के 27 विकर्ण है। अब यहां विकर्ण दे दिया दोस्तों, तो इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी। अब जब इस तरह का प्रश्न है, विकर्ण की संख्या दिया हुआ हो, तो आपको ऑप्शन से बना लेना पड़ेगा दोस्तों, क्या करना पड़ेगा, तो ऑप्शन से बनाना होगा। तो विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या बराबर एन एन माइनस 3 बटा 2, यही फॉर्मूला होता है दोस्तों, ठीक है। अब विकर्णों की संख्या 27 दे दिया है, ठीक है, बराबर। अब हम क्या करते हैं, ऑप्शन उठा लेते हैं, क्या करते हैं, ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन से यहां लिख देते हैं, ऑप्शन से, ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन से। तो हम इसमें 9 को लेते हैं दोस्तों, पहला 9 लेते हैं। अब देखिए n के जगह पर 9 लिखिए, 9 ब्रैकेट में 9 घटाओ 3 बटा 2, अब कितना आएगा, 27 बराबर 9 गुने ये 6 आ जाएगा, कितना आएगा, 6 आएगा बटा 2, अब ये काटिए 2 3 6। अब देखिए इधर भी 27 आया और इधर भी 27 आया, यानी दोनों साइड बराबर आया दोस्तों, ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा। अगर बराबर नहीं आता तो ये आंसर सही नहीं होता, तो सही आंसर क्या हुआ, तो 9 हुआ दोस्तों, तो इसका सही आंसर 9 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए आठवें नंबर प्रश्न दोस्तों, पूरा वीडियो वॉच कीजिए दोस्तों, आधा देख करके भागने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर पूरा जानकारी नहीं रहेगी एग्जाम में छोड़ के आइएगा। अब देखिए आठवां नंबर प्रश्न, आठवां नंबर प्रश्न कह रहा है एक पंचभुज के कोणों का अनुपात 1 2 3 5 9 है, इसके सबसे छोटे कोण का माप कितना है। अब है क्या, पंचभुज है, क्या है दोस्तों, तो पंचभुज है, ये चीज ध्यान। तो सभी अंतः कोणों का योग बराबर, सभी अंतः कोणों का योग बराबर n माइनस 2 गुने 180 डिग्री, यही फार्मूला होता है, ठीक है। अब है क्या, पंचभुज है, तो n के जगह 5 लिख दीजिए, 5 माइनस 2 गुने 180 डिग्री, अब यहाँ 3 बचा और यहाँ 180 बचा,
अब गुना कर देंगे तो 18 3 54 540 डिग्री, यानी पचभुज में कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो 540 डिग्री का कोण बनेगा। अब बोला कोणों का अनुपात 1 2 3 5 और 9 है, तो इसके सबसे छोटे कोण का माप पूछ रहा है, तो सबसे छोटा कोण पूछ रहा है दोस्तों, तो कोण का अनुपात कोणों का अनुपात अनुपात कितना है, तो ये है दोस्तों x, इसको x एक x माने, फिर ये है 2x, ठीक है, कितना है, फिर 2x, फिर है 3x, फिर है 5x और फिर है 9x। देखिए x मान लिए है सबके साथ, देखिए यहाँ 9 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 और यहाँ 1 है दोस्तों। अब क्या करेंगे, देखिए कोणों का अनुपात इतना माने, अब इसको जोड़ेंगे, जब हम इसको जोड़ देंगे हम, चलिए जोड़ का चिन्ह दे दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है, सब में जोड़ का चिन्ह दे दे रहे हैं, अगर इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो हमारा आ जाएगा 20x, 20x। चलिए अब देखिए दोस्तों 20x बराबर कितना आया था, ये 540 डिग्री, 540 डिग्री, तो x बराबर ये काट दीजिए, ये काटिए, ये 0 और 2 से काट दीजिए तो 27, कितना आया, तो 27। तो बोला है सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण कितना है, तो x है, तो सबसे छोटा कोण यहाँ भी है, x आया, तो सही आंसर 27 डिग्री हो जाएगा दोस्तों। तो कितना है, तो ये इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 9वें नंबर प्रश्न दोस्तों, 9वां नंबर प्रश्न है आपका, किसी सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री है, इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी, भुजाओं की, किसी सम बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण, क्या बोला है, प्रत्येक अंतःकोण 150 डिग्री, तो भुजाओं की संख्या, तो फॉर्मूला आप लोग देखिएगा ऊपर में, तो क्या है, बाह्य कोण प्लस अंतःकोण, अंतःकोण बराबर 180 डिग्री। क्या है कि देखिए अगर कोई भी बहुभुज बनता है दोस्तों, ठीक है, इस तरह से कोई भी बहुभुज बना, तो इसका बाहरी कोण, ठीक है, ये बाहरी कोण, बाह्य कोण और अंतःकोण, यानी बाहरी कोण अंतःकोण दोनों मिलाकर के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 होगा, यानी दोनों मिलाकर के 180 डिग्री होगा, वही हम यहाँ लिखे। चलिए अब देखिए दोस्तों, इसमें प्रत्येक अंतःकोण, इसको हम x मान लेते हैं बाह्य कोण को, और अंतःकोण 150 है, या प्लस का चिन्ह होगा, 150 है बराबर 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, अब यहां x बराबर ये हमारा इधर चला जाएगा, तो 180 माइनस 150, तो कितना आ जाएगा x बराबर, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 30 डिग्री, कितना आया दोस्तों, तो 30 डिग्री आया। अब बोला है इसकी भुजाओं की संख्या कितनी होगी, भुजाओं की संख्या बोल रहा है, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, सभी बाह्य कोणों का, सभी बाह्य कोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है, कितना होता है, 360 डिग्री होता है दोस्तों। तो भुजाओं की संख्या बराबर, भुजाओं भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटा n, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए तो भुजाओं की संख्या यहां कितना आया है, तो 30 आया है, तो 360, एक मिनट, 360 डिग्री बटा भुजाओं की संख्या n है, n यहाँ कितना है, तो 30 है दोस्तों, ये काट दीजिए, ये 0 ये 0, ये कट जाएगा, 12 3 36, तो कितना आ जाएगा, तो 12 भुजा दोस्तों, तो इसकी भुजाओं की संख्या कितना है, तो 12 है, यही आपका आंसर आ गया।
तो सही आंसर क्या हुआ? तो ए नंबर हुआ दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 10वें नंबर प्रश्न दोस्तों, 10वां नंबर प्रश्न है आपका, किसी सम बहुभुज षटभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा? देखिए दोस्तों, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360 बटा एन, यानी टोटल होता है 360 डिग्री, और प्रत्येक बोल रहा है तो बटा मान एन कर देंगे, यानी भुजाओं की संख्या। अब यहां षटभुज दिया है, क्या दिया है? तो षटभुज यानी छह भुजा, तो 360 बटा 6। अब इसको काट दीजिए, अब काटेंगे तो 6 छके 36, कितना आ गया? 60 डिग्री आया दोस्तों। ठीक है, अब बोले अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण का माप कितना होगा? अंतःकोण बोल रहा है तो बाह्य कोण फॉर्मूला हम लिखे उसको देख लीजिएगा, और फिर हम लिख दे रहे हैं यहां पर बाह्य कोण प्लस अंतःकोण, अंतःकोण बराबर 180 डिग्री, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। बाहरी कोण और अंदर का कोण दोनों जोड़ने पर 180 डिग्री आता है, अभी हम बताए थे। तो यहां आया है बाह्य कोण, बाह्य कोण आया है 60 डिग्री, ये 60 डिग्री लिख दीजिए प्लस इसको x मान लीजिए, और ये 180 डिग्री आया। अब x बराबर, तो ये हमारा 60 जो है इधर आ जाएगा, तो 180 माइनस 60 बराबर ये 120 डिग्री, यही हमारा आंसर आ गया। तो सही आंसर क्या आया? तो ए नंबर आया दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो का अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू।